सामने कंप्यूटर से मेरे पास कुछ PTCL मॉडम्स अवेलेबल हैं, जैसे आप देख रहे हैं PTCL डिवाइसल मॉडम्स को पेपल की अपनी पेपल की ओयो जी की सेटिंग की जा सकती है। ये इस वीडियो के लिए हम सीखेंगे। मेरे पास एक PTCL का राउटर है जिसको मैंने ऑलरेडी हार्ड यूज कर लिया है। PTCL राउटर्स की बैक साइड के ऊपर इसका SSID यानी कि वाईफाई का नाम और उसका वाईफाई का पासवर्ड और कंसोल का पासवर्ड लिखा होता है। जो 8-bit का पासवर्ड होता है वो वाईफाई का पासवर्ड होता है। वो 8-bit आप वाईफाई कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपने वाईफाई के साथ कनेक्ट किया है तो आपको 8-bit का पासवर्ड देना लाजमी होता है। अगर आप अपने लैपटॉप के साथ उसे कनेक्ट करके पासवर्ड रीसेट कर रहे हैं तो देन आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है वाईफाई के पासवर्ड की, लेकिन कंसोल के पासवर्ड की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। वो जो कंसोल का पासवर्ड होता है बाय डिफ़ॉल्ट 5-bit का होता है, जो कि डिवाइस के पीछे लिखा होता है। मैंने यहाँ पे 8-bit का पासवर्ड दे के PTCL DB के साथ कनेक्ट कर लिया। इंटरनेट ब्राउज़र के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर आप अपनी IP लिखेंगे, जो कि IP है 192.168.1.1। जी तो अब जैसे ही ये लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसके ऊपर साइन इन यूज़र नेम और पासवर्ड लिखना है। यूज़र नेम एडमिन है स्मॉल वर्ड के अंदर और पासवर्ड जो कि 5-bit का होता है, जो ऐसे पीछे लिखा होता है, वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद साइन इन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही साइन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप एडवांस सेटिंग पे क्लिक करेंगे, लेयर टू इंटरफेस पे क्लिक करेंगे, ETF इंटरफेस पे क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। इस तरह एक एक्सपोर्ट जो भी की है वो आप याद रखेंगे और यहाँ पे ऐड को ही पोस्ट से जो आपने चूज किया है वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगी PPL POE PPL POA और PPL। यहाँ पे आप PPL POE चूज़ कर लें। मैंने PPL POE चूज़ किया है। यहाँ पे PPL POE का यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे, जो कि सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करता है, जिससे आप इंटरनेट ले रहे हैं उसमें आपको यूज़र नेम और पासवर्ड आपको बता देगा, या आप उसे पूछें या जो भी आपके पास अवेलेबल है वो यहाँ पर लिखना है यूज़र नेम और पासवर्ड। मेरे पास एक यूज़र है और उसका पासवर्ड भी है तो मैं यहाँ वो एंटर करूँगा। यूज़र नेम और पासवर्ड लिखने के बाद सेटिंग जो ट्रिपल किया है लाजमी क्लिक करेंगे। काफ़ी सेटिंग सेम एडाटिव भी रहेगी, जैसा क्या देख रहे हैं देख रहे हैं। मैंने इसके अलावा किसी जगह टिकिंग चेंज किया है। सेटिंग सेव कर लेंगे और यहाँ पे आपको जो पोर्ट आपने बनाई है वो यहाँ पे रेडी कर लेंगे। PTS 01 मैंने बनाई थी, यहाँ पे PTS 01 PPL POE पोर्ट एंटर करेंगे।
फिर मिलते हैं हमारी रिपोर्ट बन सकते हैं। और अभी तक डीएनएस सर्वर से कोई पिकिंग नहीं आ रही। जो पोर्ट आपने बनाई है उस पोर्ट के ऊपर आप एक जो आपके की वायर है वो कनेक्ट करेंगे। जैसे ही वो आप कनेक्ट करेंगे तो आपके जो डीएनएस सर्वर है वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। आप ये अपनी पसंद का कोई भी वाईफाई का पासवर्ड लगा सकते हैं। लगाकर वाईफाई का पासवर्ड सेव करेंगे।